हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो यहां पे अल्लू अर्जुन अपनी नई मूवी पुष्पा का नया सॉन्ग रिलीज करने के लिए तैयार बैठे हैं अपनी धोती को संभाल के। एंड यहां पे देखो, कमाल की बात यह है कि आज इस मूवी का सॉन्ग का टीजर और प्रोमो दोनों रिलीज हुए हैं। एंड इस टीजर को देखने यानी प्रोमो को देखने के बाद में कहीं ना कहीं आप लोगों को लगेगा कि यार मेरा पेट खराब है, और आप लोग जाके जरूर देखेंगे चेक करने टॉयलेट में कि वाकई मेरा पेट खराब है या नहीं, क्योंकि अलग ही वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहा है इस मूवी का सॉन्ग का म्यूजिक। पुष्पा 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 पुष्पा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अच्छा लगा। एंड यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ सुकुमार के पास। सुकुमार साहब ने यहाँ पे एक बात तो साबित कर दी है कि भाई एटली, राजामौली या फिर सिद्धार्थ आनंद, ये तीनों ही 1000 करोड़ की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं उन 3-4 मूवीज की जो इन्होंने बनाई है। और ये देखो, बड़े डायरेक्टर बन चुके हैं, यानी कि ये मूवी को 1000 करोड़ तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश कर चुके हैं, यानी कि ये तीनों डायरेक्टर। तो अब यहाँ पे सुकुमार भी कहना चाहते हैं कि भाई मैं भी उस लिस्ट में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी 500 करोड़ की मूवी बनाई है, और 500 करोड़ की मूवी बना के अगर मैं सोचता हूँ कि ये मूवी 1000 करोड़ तक पहुँच जाए, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एंड यहाँ पे मैं DSP साहब के म्यूज़िक की तारीफ करना चाहूँगा, और मैं नरेंद्र मोदी सर से एक रिक्वेस्ट और अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इनको DSP ही नहीं, DSP प्लीज़ बना दो, और मुझे बहुत खुशी होगी। एंड यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ कि देखो भाई, सबसे पहली बात यार, ये किताबें वगैरह यार, ये ना ये सब चीज़ें कौन कहाँ रख देता है। इसकी माँ का यार एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं तो श्रीवल्ली श्रीवल्ली सोच के बैठा था कि यार इस बार भी हम श्रीवल्ली 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 सुनेंगे, लेकिन इन्होंने तो पुष्पा पुष्पा का राग डापना शुरू कर दिया। साउथ वालों को देखो, यहाँ पे एक बात ना बॉलीवुड वालों से कहनी चाहिए, साउथ वालों को भी पता है कि यहाँ पे बॉलीवुड वाले उनकी मूवीज़ को कॉपी कर करके इतना नोट छाप चुके हैं, तो अब इस बार पुष्पा टू की कॉपी करके देखा, और ये सीधा सीधा निशाना है पुष्पा टू के मेकर्स का बॉलीवुड वालों को, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर बना दिया है कि तुम चाहकर भी इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात और करना चाहूँगा कि सीरियस मजाक के लेवल पे BMCM के बारे में, BMCM इज़ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी, और BMCM एंड यहाँ पे गणपत, इन दोनों का ऑल टाइम लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टूटेगा, पुष्पा ही तोड़ेगी। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 2 दिन में ये पुष्पा इन दोनों के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तोड़ सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे भाई 2 दिन में नहीं, 1 ही दिन में तोड़ेगी। अब मुझे आप नीचे कमेंट में जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे फिर यहाँ पे बात साबित होगी, और उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि पुष्पा 2 एक दिन में गणपत और BMCM का बॉक्स ऑफिस लाइफ टाइम कलेक्शन तोड़ेगी या 2 दिन में, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।